रूपा जी, बात करेंगे सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वादा 5968 पर है और रिफाइंड सोया तेल अक्टूबर वादा 1302 के घरों में। रूपा जी देख रहे हैं कि दोनों सोयाबीन में ही, सोयाबीन कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि अब जो लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोयाबीन की जो कीमत टूटती हुई नजर आ रही है, तो क्या सोयाबीन 5600, 700 और 5800 के घरों में भी कारोबार करती हुई नजर आ सकती है नीचे में? देखिए सोयाबीन में गिरावट है जबकि सरसों में तेजी देखने को मिल रही है, सरसों की डिमांड पिकअप हो रही है, लेकिन सोयाबीन जो है उसमें दबाव जो है वो गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, सोयाबीन उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए लगता है कि नीचे में 5500 से लेकर 5000 की रेंज हो सकती है और ऊपर में 6200 से 6500 के बीच में जा सकता है। अगर देखिए सरसों में बहुत ज्यादा तेजी आती है तो सोयाबीन में भी थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका फंडामेंटल अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है। सोयाबीन में बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और वही गिरावट की बात करें तो गिरावट भी जो है वो भी लिमिटेड लग रही है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। आप मान के चले नीचे में 6800 से लेकर 5500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि अभी सरसों में गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है, जो फंडामेंटल्स हैं सोयाबीन के, सोयाबीन की कीमतों में गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है। जो फंडामेंटल्स हैं सोयाबीन के अभी उनमें एक नरमी देखने को मिल रही है, जो फंडामेंटल्स हैं अब कहीं ना कहीं नेगेटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं, खास क्योंकि अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सोयाबीन की बुआई का जो रकबा है वो पहले के मुकाबले लगभग बराबर ही होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में जो गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, जो किसानों ने वहाँ के टाइम्स टीवी को बताया है कि खेतों में खड़ी हुई जो फसल है सोयाबीन की वो बारिश की वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर खेतों में भारी बारिश देखने को मिली है क्योंकि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से सोयाबीन ज़्यादा इलाकों में बर्बाद होती हुई नजर आई है। अब देखना ये होगा कि अब जब नई अराइवल्स होती हैं, नई आवकें होती हैं, तो सोयाबीन की कैसी क्वालिटी देखने को मिलेगी और कितना अराइवल्स बाजार में आती हुई नजर आ पाएगी। अगर कम आवकें आती हैं और क्वालिटी भी खराब रहती है तो सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनमें एक उछाल देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जो खपत है वो कम नहीं होगी, खपत उतनी की उतनी रहेगी, प्रोडक्शन थोड़ा कम देखने को भले ही मिल जाए। और ये ऐसे समय में देखा जाएगा जब किसानों का उपज मंडियों में आने वाली होगी, ऐसे वक्त में जो कीमतें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले सोयाबीन की जो कीमतें थी वो अच्छी खासी देखने को मिली थी वायदा और हाजिर मंडियों के अंदर।